الله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء شاء عقيما إنه عليم قدير أمرت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعين काफ़ी देर से आप तमामी हजरात जलसगा में बैठकर बड़ी उम्दा उम्दा नाते हैं और मुदल्लल व मुफस्सल तकारीर समाअत कर रहे थे। हमारे उससे कबल शायर साहब ने अच्छा कलाम किया है, माशाल्लाह ऑलराउंडर है ये तो भाई, नात भी निजामत भी और जी जी हमने सुना है चैनल भी जी, हाँ सब कुछ इन्हीं के पास में है जी। चैनल तो इन्होंने अपना निकाला ही नहीं है कभी, लोग कहें सब चीज़ इनकी है जी। और उनसे कबल हमारे जामा मस्जिद के इमाम साहब बड़ी बेहतरीन इस्लाह मुआशरा पर तकरीर कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और इमाम साहब की सभी उलमाए सुन्नत की उम्रों में खैर के साथ बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। एक बच्चे के अकीके के ताल्लुक से महफिल पाक का इनेकाद किया गया है। जिनके बच्चे का अकीका हुआ है वो है या नहीं है? यहाँ सामने ही बैठे वो तो है, वो भी नहीं है जी जी है, है वो तो सामने ही कुर्सी इंतजार कर रही हैं आप, मतलब यहाँ बैठो वहाँ बैठो बात एक ही है, पकड़ेंगे नहीं किसी को, काफ़ी दूर हो यहाँ से तो। हाँ तो ये आप तो आ ही जाओ, ना रहे तो इस वाली पर आ जाओ, जितना करीब उलमा से रहोगे इतनी फायदेमंद है आपका ये बैठना। भी सुना रहे थे नाजिम साहब हैं, उलमा के चेहरे का दीदार करना भी इबादत है, उनके पास बैठना भी क्या है, इबादत है। तो जितना करीब बैठोगे इतनी इबादत ज्यादा जी, शुक्र मत भागो, पीछे वाली सब में मतलब ये नमाज जनाजा थोड़ी हो रही है आपके सवाब ज्यादा। हाँ देखिए माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है,
इस मकान के अंदर एक सुन्नत को अकीके की सूरत में किया गया है। नबी ये पाक की सुन्नत है, एक सुन्नत को जिंदा करना। नबी ये पाक फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे, और ऐसी सुन्नत के लोग खुराफात में पैसे उठा देते हैं, ऐसी वैसी दावतें कितनी खिला देते हैं, लेकिन अगर उस दावत की जगह लोग अकीका की नियत कर लें, अकीका कर लें फिर दावत खिलाएं तो मज़ा ही कुछ और है भाई। जी जी है, बड़ी खुशी की बात है। ऐसी सुन्नत को जिंदा करना जिसकी तरफ लोग बिल्कुल जहन न दे रहे हों। नबी ये पाक फरमाते हैं ऐसी सुन्नत को जिंदा करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस बंदे को 100 शहीदों का सवाब इनायत फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह, इनके सकीदा करने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। 25वें पारे की एक आयत पाक मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इसका तर्जमा और कुछ बयान करने से कबल एक मरतबा आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सय्यदिना व शफी ربنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। बड़ी अच्छी अच्छी आवाज में नातें पढ़ ली गई हैं हमसे भाई। हम ना तो कोई पेशेवर इतने बड़े मुकर्रर हैं ना शायर हैं, जैसे भी हम आपको सुनाएंगे आप, हम कोशिश ये करेंगे जो भी सुनाएं कुछ ना कुछ आपके दिलो दिमाग में वो बात उतरे। अल्लाह करे कि सबकी ये उलमा की जो बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आप सुन रहे हैं उतर जाएं दिलों में आपके। जी, एक शायर ने लिखा है, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। सुभान अल्लाह, का नाम सुनकर भी सुभान अल्लाह नहीं कर रहे आप हैं? सुभान अल्लाह, एक तो मदीने का जिक्र और आप हैं उसी पर सुभान अल्लाह कह दें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह आप कहें। और हम दुआ करते हैं कि मौला जिन्होंने मदीना देख लिया है उसे और अल्लाह रब्बुल इज्जत मदीना दिखा दे, और जिन्होंने अभी नहीं देखा है हम दुआ करते हैं कि मौला सभी के लिए ऐसे असबाब बना दे कि वो भी अपनी आंखों से काबतुल्लाह का दीदार कर ले और नबी पाक के रोज़े पाक का दीदार अपनी आंखों से कर ले। सब जाना चाहते हैं ना मदीना, कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। क्या करूँगा मैं गुलाब और चमेली लंबी नाते पाक हम नहीं पढ़ेंगे, जैसा भी हमसे पढ़नी आती है दो एक शेर और हैं आप सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कुछ बातें बताई जाएंगी। एक शायर ने हद कर दी है हजरत। जी जी, देने वाले मुझे देना है तो इतना दे दे, देने वाले मुझे
کشکول میں خاک در تیبہ دے دے۔ ہماری آواز بھائی امام صاحب کی آواز کو نہیں لگے گی، ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام سنایا، بڑا مزہ آ گیا سننے میں، لیکن پھر بھی آپ آواز نہ دیکھیں، یہ دیکھیں ذکر کیا چل رہا۔ دینے والے مجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، میرے کشکول میں خاک در تیبہ دے دے، چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، چھین لے مجھ سے میری عمر کا ایک ایک لمحہ، یاد آقا میں معطر کوئی لمحہ دے دے۔ درود پاک پڑھ کے سنا، اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر تقریر انہی اشعار پر کی جائے تو جو میں نے موضوع بنایا وہ رہ جائے گا، میں اشعار کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہیں، للعاقل تکفی الاشارہ، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مدینہ کا ذکر آ گیا، آپ نے سب سمجھ لیا کہ مدینہ کیسی جگہ ہے، کیسی جگہ ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوع آپ اس کے تعلق سے سنتے رہتے ہوں گے۔ آج میں نے موضوع بنایا ہے 25ویں پارے کی ایک آیت پاک کو۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کا اس آیت پاک میں تذکرہ ہے، لیکن انہیں بیان کرنے سے پہلے اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، یخلق ما یشاء، وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہے، وہ پیدا فرماتا ہے جو چاہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہاں بولی میں یشا اناسا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عنایت فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے۔ یہ جو دنیا میں کسی کے پاس لڑکے ہیں، کسی کے پاس لڑکیاں ہیں، یا ایک اکثر جو ہمارے آپ کے پاس ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں، یہ سب کون دیتا ہے ہمیں؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناسا، اور اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں نواز دیتا ہے، نواز دیتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے لڑکوں سے بھی نوازا ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ اللہ نے لڑکیوں سے بھی نوازا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، انہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا قدرت والا ہے، اللہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ آیت پاک کو جب حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھا تو آپ اس آیت پاک کی تفسیر کرنے لگے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں پکڑ چلنے کی
नेमत है, अल्लाह ने हमें पकड़ने के लिए हाथ दिए अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने हमें देखने के लिए आंखें दी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ने हमें बोलने के लिए जबान दी अल्लाह की नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें समझने के लिए अक्ल सलीम अता फरमाई अल्लाह की नेमत है। इमाम राजी फरमाते हैं इतना सब कुछ दिया अल्लाह ने, लड़के दिए लड़की दी अल्लाह इज्जत ने, सब अल्लाह की नेमतें हैं रहमतें हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सब देने से पहले आगा फरमा दिया, ऐ लोगों कहीं तुम इतरा मत जाना, कहीं तुम मेहमत करो, कहीं तुम इतरा मत जाना, अपने आप में गुरूर मत पैदा करने कर लेना। अल्लाह इरशाद फरमाता है, सबसे पहले इरशाद फरमाता है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, ऐ लोगों अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहत, बेशक है जमीन में जो कुछ है वो भी अल्लाह ने पैदा किया है, आसमानों पर जो है वो भी अल्लाह ने पैदा किया है, और जो भी हमारी निगाहों के सामने है या जो हमारी निगाहों के सामने नहीं है, अर्ज़ के सारे आलम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया है, अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया है। बात समझ में आ रही है आपके? जी जी बेशक। हाँ बात समझ में आ रही हो तो भाई सुभान अल्लाह कहते ना, तभी पता लगता है, क्यों भाई इमाम साहब? अब वो आपको ज्यादा पता होगा, आपके मुक्तदी किस तरीके से समझते हैं भैया हमें तो पता नहीं है। सुभान अल्लाह कहने में एक तो नेकियां मिलती हैं और हमें भी पता लगता है कि वाकई बात समझ में आ रही है। हाँ तो सुभान अल्लाह में कोई टाइम नहीं लग रहा ज्यादा, और 90 नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते नामा आमाल में दर्ज फरमा देते हैं। तो आप मजमा तो इतना बड़ा आपका नहीं लग रहा, लेकिन मजमे की जरूरत नहीं है हमें ज्यादा बड़ा, अल्लाह की बारगाह में हम तो दुआ ही करते हैं कि मौला कोई इस मकान वाले जो हजरात हैं इन्हें इनकी सुबह को इस तरीके से तारीफ करें कि ना करें, कि भाई मजमा तो बहुत ज्यादा था तुम्हारा, ये भी नहीं हम भी नहीं, हम तो रब की बारगाह में दुआएं करते हैं कि मौला हमने जैसी भी तेरा जिक्र किया है, तेरे रसूल का जिक्र किया है, तेरे महबूब मकबूल बंदों का तज़किरा किया है, मौला हम नाम नहीं चाहते, नुमाइश नहीं चाहते, अल्लाह हमारी इस महफिल को अगर तूने कबूल कर लिया, तेरे रसूल ने पसंद फरमा लिया, अल्लाह वालों ने कबूल कर लिया, मौला हम तो जानते हैं कि हमारी दुनिया भी कामयाब है और हमारी आखिरत भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बच्चा, जब लड़का किसी के घर में पैदा होता है ना, सुभान अल्लाह, हम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं ना कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे लड़के की सूरत में एक रहमत, एक नेमत अता फरमाई है। आपस में रिश्तेदार भी खुश हो रहे हैं, हमारे ससुराल वाले भी खुश हो रहे हैं, घर वाले भी खुश हो रहे हैं, अब्बा भी खुशी मना रहे हैं, दादा भी खुशी मना रहे हैं, दादी भी खुशी मना रही है। जब बच्चा घर में तशरीफ लाता है पूरे घर वाले खुश हो जाते हैं, उधर मस्जिद के इमाम भी खुश होते हैं कि वही हमारे मुक्तदी के यहाँ एक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का उम्मती उम्मती और तशरीफ ले आया है। बेशक सुभान अल्लाह, होते हैं इमाम साहब, अल्लाह ने आपको भी दिया है तो इसी के साथ साथ में नजर इमाम साहब पर भी रहना चाहिए भाई, कि खुशी जिस तरीके से हमें हुई है तो हमारे जरिए से हमारी मस्जिद में जो इमाम साहब, अगर रात में हम बुलाएं रात में आ रहे हैं, दिन में बुलाएं दिल में आ रहे हैं, रात के 12 बजे अगर कोई डॉक्टर भी मना कर देना पहले फोन पे इमाम साहब को फोन करो तो एकदम बेचारे दौड़े हुए आते हैं, क्या है भाईजान क्या मामला है, अगर कोई परेशानी हो तो बताते हैं इमाम साहब, जैसा भी होता है कोई वजीफा पढ़े दम करें, पानी पढ़ के दें, रात के 12 भी बज रहे तो पानी पे दम करने आ रहे, रात का 1 बज रहा है तब भी पानी में दम करके दम करने आ रहे, आपके लड़के पे दम करने आ रहे, बड़ी कुर्बानियां हैं इमामों की, इसलिए अगर कोई खुशी हमें मिले तो हम इस खुशी में अपने इमामों को भी शरीक कर ले, सुभान अल्लाह, इससे इमाम छोड़ा हो जाए। लेकिन ये मुबारकबाद हमारी है
लेकिन हम जान नहीं चाहते हैं कि परवरदिगार क्या हमारे अलावा भी हमारे घर में आने वाले बच्चे की खुशी मनाता है, क्या हमारे घर में आने वाले बच्चे की भी तेरी कोई और मखलूक खुशी मनाती है। हमारे रिश्तेदार तो खुशी मना रहे, हमारे ससुराल वाले खुशी मना रहे, हमारे दादा भी खुशी मना रहे, हमारे अब्बा भी खुशी मना रहे, हमारी सास भी खुशी मना रही है, हमारे ससुर भी खुशी मना रहे। लेकिन परवरदिगार हम तेरी बारगाह में ये अर्ज़ा पेश करते हैं कि हमारे घर में आने वाले बच्चे को अगर कोई और भी मखलूक अगर खुश होती हो तो परवरदिगार के प्यारे हबीब हमें ये भी बता दीजिए कि अल्लाह की और कौन सी मखलूक है जो बच्चे की आमद पर खुशी मनाती है, सुभान अल्लाह, आमद पर खुशी मनाती है। तो कोई और नहीं, किसी दुनियादार का कौल नहीं, किसी जमींदार का कौल नहीं, किसी दुनियावी औहदे वाले का कौल नहीं, बल्कि हम तो मदीने वाले की बात कर रहे हैं, मदीने वाले का फरमान सुना रहे हैं, किसी और का कौल नहीं। ये दुनिया वाले झूठे हो सकते हैं, ये कायनात इधर से उधर हो सकती है, ये जमाना इधर से उधर हो सकता है, जमीन फट सकती है, फटी है, आसमान फट सकते हैं, लेकिन हमारा अकीदा है जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बाने पाक से कलिमात निकल जाए वो पत्थर की लकीर भी एक मर्तबा मिट जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन नबी की ज़बान से निकले हुए कलिमात अपनी जगह पर अटल रहते हैं। शायर कहता है, हे कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, हे कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमान मसला के आला हजरत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नजदीक सर पे लोहे का सरिया, नजदीक लेके भागा पटरिया, नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरते गिरामी, अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, जब किसी के यहाँ पर कोई अल्लाह का बंदा तशरीफ लाता है बच्चे की सूरत में, उसे अल्लाह की नियामत मिलती है, तो नबी इरशाद फरमाते हैं फरिश्तों का हुजूम लग जाता है, फरिश्ते आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, दूसरे फरिश्ते उन फरिश्तों से पूछते हैं, ए अल्लाह की मखलूक जिसे दुनिया फरिश्तों के नाम से जानती और मानती है, वो आपस में तज़किरा करने लगते हैं किस चीज की मुबारकबाद पेश कर रहे हो, तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के फरिश्तों गवाह हो जाओ हम इसलिए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में इस घर वाले को इस घर वाले का को मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हैं, इसकी वजह यह है हम अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे हैं, मौला तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है कि तूने दुनिया के अंदर अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मतियों में एक उम्मती का और इजाफा फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। फरिश्ते भी आपस में बच्चे की पैदाइश पर, हम ही नहीं फरिश्ते भी हमारे बच्चों की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, सुभान अल्लाह, मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन मैं ज्यादा दूर न जाकर के अल्लाह ने हमें लड़के की शक्ल में अपनी नियामत तो दे दी, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इमाम साहब के पास भागे हुए आ रहे हैं हम, इमाम साहब कोई ऐसा तावीज दे दो, ऐसा तावीज दे दो कि जो मैं कहूँ मेरा बेटा मना ही ना करे, बिल्कुल ऐसा दे दो, बिल्कुल हक बात है, इतना पक्का कर दो, इतना पक्का कर दो कि चाहे पैसे तुम पक्का करने के मुझसे ले लियो, लेकिन पक्का कर दो, बिल्कुल पक्का, पता नहीं कैसा पक्का जा रहा है, लेकिन पक्का पैदाइश के वक्त में तू कर लेता तो आज तुझे पक्के तवीज की जरूरत ना पड़ती। जी हक बात है, हाँ, अरे भाई पक्का कैसे, किस चीज से पक्का करके देंगे, सबसे पहला तावीज तो पक्का तूने पहले ही नहीं किया, बच्चे की पैदाइश के वक्त में अगर हम उसी वक्त में अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे देते तो वही हमारे बच्चों के लिए पक्का तावीज हो जाता, अब बाद में हमें इमाम साहब के पास जाने की जरूरत ना पड़ती कि इमाम साहब हमें पक्का तावीज दे दे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत है। लोगों अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो,
और मैं बताऊं बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा हमारे इमाम साहब का मदरसा नहीं है, हमारे उलमा का ये मदरसा नहीं है, हमारा ये मदरसा नहीं है, बल्कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं बच्चे का जो दुनिया में तशरीफ लाता है अभी न चल सकता है, न पकड़ सकता है, न किसी को बोल करके बुला सकता है। ऐसे वक्त में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इस बच्चे का जो दुनिया में तशरीफ लाया है इस बच्चे का मदरसा इस गांव का मदरसा नहीं है, हमारा मदरसा नहीं है, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं इस बच्चे का सबसे पहला मदरसा उस बच्चे की मां की। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा आकिलदरामपुरी साहिब किबला, हजरत अल्लामा आकिलदरा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक घंटी हटने की हो तो बता दीजिए या ना थोड़ा और हो रहा है। नहीं नहीं आप बोलिए। तो जब बच्चे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इनायत फरमाए तो उनकी तरबियत अच्छी होना चाहिए। माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है जी, बिल्कुल बेशक। यही माँ अपने बच्चे को नमाजी बना सकती है, यही माँ अपने बच्चे को कुरान का ताली बना सकती है, यही माँ अपने बच्चों को बुजुर्गों का अदब करने वाला बना सकती है, यही माँ अपने बड़ों का अदब करना सिखा सकती है, यही माँ छोटों पर शफ़क़त करना सिखा सकती है। सबसे पहला मदरसा किसी और में नहीं बल्कि मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करती है माँ की। लेकिन यही माँ, मैं आपको बताऊं क्या तरबियत है, किस तरीके से माँ अपने बच्चों को बिगाड़ती हैं, किस तरीके से अपने बच्चों को सुधारती हैं। एक बच्चा जब चलने के काबिल हुआ ना, चलने के थोड़ा होशियार हुआ, थोड़ा होशियार हुआ, तो बच्चे को क्या पता ये चोरी है ये क्या है, बच्चा क्या जाने बेचारा। अगर कोई चीज पड़ो मिल गई तो वो तो सोचता जेब में रख लूं एकदम अपनी जी। उसे जब पता ही नहीं है, माने अभी सिखाया ही नहीं है, अभी तो थोड़ा सा बोलना सीखा है, अभी क्या है। इसी तरीके से एक बच्चा जो चलना सीखा, समझना सीखा, बोलना सीखा, घर से बाहर निकला, उसे एक मुर्गी के नीचे एक अंडा नजर आ गया, एक अंडा नजर आ गया, उसने उस अंडे को अपनी जेब में रखा, कहीं और नहीं गया, वो तो खुश हो रहा है कि आज ये अंडा मैं अपनी माँ को ले जा करके दूंगा, मेरी माँ कितनी खुश होगी, मेरी माँ कितना मुझे प्यार करेगी, कितना लाड करेगी, मेरी माँ मुझसे आज कितना खुश होगी। उसने वो अंडा अपनी जेब में रख लिया, अपनी माँ को ला करके दिया। माँ ने पूछा बेटा कहाँ से, ये बोला मैंने कहीं से नहीं, मुझे एक जगह मुर्गी बैठी हुई थी, एक अंडा दिखाई दे गया मेरी माँ, मैंने उस अंडे को अपनी जेब में रख लिया, मैं उस अंडे को उठा करके ले आया। यही माँ उस वक्त अगर इसे तरबियत दे दी ना, इसे डांटती डपटती कि तुझे शर्म नहीं आती, अभी जरा सा बच्चा है और तूने चोरी शुरू कर दी, अरे बेटा ये चोरी है, ये तेरा और हमारा अंडा नहीं है। लेकिन उस माँ ने क्या कहा था, पीठ थपक दी, पीठ पे हाथ मारा, अपने बेटे से कहा मेरे बेटे अगर इसी तरीके से काम करता रहा तू बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा, बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। अब इसे थपकी मिल गई पहले इसे, अब इसे फिर दो अंडे मिलने हैं, दो रख के ला रहा है, माँ रख रही है, तीन मिलना है, तीन रख के ला रहा है, कोई भी चीज रख पड़ा मिल रही है लग के ला रहा है, और माँ खुश हो रही है कि बेटा मजा आ गया, तो बहुत ऊंचा हो जाएगा एकदम, बड़ी ऊंचाई पहुंच जाएगा। हद ये हो गई, ये बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, अभी छोटा छोटा चोर है, उसके बाद में थोड़ा बड़ा चोर बन गया, और बड़ा होकर के बड़ा चोर बन गया, लुटेरा बन गया, डाकू बन गया। हद ये हो गई, पता नहीं कितने थानों में इसका नाम चल रहा है, नंबर 8 में चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, कैसे कैसे चोरियों में फंसा हुआ है, 8 नंबर में चल रहा है, पुलिस ने इनाम रख दिया है, तरह तरह के थानों से आवाजें आ रही है कि फलां लुटेरे को अगर किसी ने पकड़ लिया, फलां डाकू को अगर पकड़ के दे दिया तो हम इतने इनाम से नवाज देंगे। हद ये हो गई, पकड़ लिया गया और जज ने इसे फांसी की सजा सुना दी। क्या सुना दी? फांसी की सजा सुना दी।
फांसी की सजा सुना दी। जब फांसी के वक्त में ना जल्लाद पूछता है, कोई लाश तुम्हारी ख्वाहिश हो, तमन्ना हो तो बता दो, जाहिर कर दो, वो जाहिर करो। उसे टाइम मिलता है कोई अपनी लाश ख्वाहिश का क्या है इसके दिल में, तो इसने क्या कहा था, जल्लाद मेरी लाश और आखिरी ख्वाहिश ये है, मरने से पहले, फांसी से पहले मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरी माँ से मिला दो। देखने वाले और जल्लाद भी हैरान है, परेशान है, एक माँ को चाहने वाला बेटा किस तरीके से फांसी के फंदे पर लटक गया है, अपनी माँ को जाते जाते भी अपनी माँ को याद कर रहा है, अपने किसी और रिश्तेदार को नहीं, अपने किसी घर वाले को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, अपनी माँ को याद करके जा रहा है। फांसी लगने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता है, जल्लाद भी देखना चाहता है ये फांसी पर चढ़ने वाला अपनी माँ से क्या कह करके जाएगा, कौन सी बातें करके जाएगा, क्या कह करके जाएगा, दुनिया वालों को क्या पैगाम सुना करके जाएगा। अल्लाहू अकबर। उसकी माँ को बुलाया गया, कहा गया कहाँ है इस बेटे की माँ, उसके सामने लाया गया, माँ से कोई बात नहीं की इसने, माँ से कुछ सुना नहीं, माँ से कुछ बोला नहीं, बल्कि जैसे ही ये बेटा अपने माँ के करीब में हुआ, माँ इसके करीब हुई, माँ इसके करीब में आई, तो इस बेटे ने बगैर किसी के चूड़ो चढ़ा के अपनी माँ के थप्पड़ रसीद कर दिया, थप्पड़ रसीद कर दिया, इसने अपनी माँ के थप्पड़ मार दिया। जमाना हैरान है, दोखने वाले हैरान है, परेशान है, अरे ये माँ से मिलना चाहिए, इस हालत में माँ से मिला जाता है, माँ को थप्पड़ मार के जा रहा है, माँ से बजाय दुआ लेने के, बजाय माँ के कदम बोसे करने के, ये तू माँ के थप्पड़ मार के जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर है, इसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर है। अब पूछने वालों ने पूछा, इससे पूछा, जल्लाद ने भी पूछा, भाई बता के जाना पड़ेगा, देखो जा तो रहे हो तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि अपनी माँ से बजाय बात करने के, दुनिया वालों को पैगाम देने के, तुमने अपनी माँ के थप्पड़ क्यों मारा है, कितना प्यारा पैगाम दिया था उसने। ए जल्लाद सुन ले, ए देखने वालों मेरी फांसी को सुन लो, मैंने अपनी माँ को थप्पड़ क्यों मारा है, ये भी एक पैगाम है मेरा। यही माँ जब मैं चलना सीखा था, यही माँ जब मैं बोलना सीखा था, यही माँ जब मैं चलना सीखा था, थोड़ा होशियार हुआ था, एक अंडा चुरा करके मैंने अपनी माँ को दिया था, अपने किसी और रिश्तेदार को नहीं, अपने किसी साथी को नहीं, सबसे पहले मैंने वो अंडा अपनी माँ को दिया था, अपनी माँ को दिया था। यही माँ उस अंडा लेते वक्त में मुझसे पूछ लेती, बेटा ये अंडा कहाँ से लाया है, बेटा ये किसने दिया है, मैं बिल्कुल साफ साफ बता देता, मैं कहता चोरी करके लाया हूँ, मैंने बता भी दिया, लेकिन मेरी माँ उस वक्त में अगर मुझे डांट देती, अगर मुझे जजर तबीर कर देती, अगर मुझे नसीहत नसीहाना कलिमा सुना देती, तो हे लोगों मैं ऊंचाई पर नहीं पहुंचता। मेरी माँ ने जब अंडा लिया था तो मेरी पीठ पर हाथ मारा था और कहा था, बेटा इसी तरीके से लगे रहे तो तुम ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, तो ऊंचाई पर लाने वाला कोई दुनिया का मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है, यही मेरी माँ है कि जिसने मुझे इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जिसने मुझे इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। बताने का मकसद ये है, मेरी माँ और बहनों आप भी सुन रही हो, सुनती रहती हो, बच्चों का सबसे पहला मदरसा आपकी गोद हुआ करती है, यही बच्चा अगर डांट खा लेता कभी दोबारा चोरी न करता, यही माँ उसी के मुकाबले अपने बच्चे को नमाज के लिए भेजती, बच्चा नमाज पढ़ना सीख जाता, यही माँ अगर अपने बच्चे को कुरान हाथ में लेकर के मदरसे में पढ़ने भेजती तो बच्चा कुरान पढ़ने वाला बन जाता, यही माँ हदीस का इल्म सीखने के लिए किसी बड़े मदरसे में पहुंचती तो यही बच्चा आलिम दीन बन जाता, हदीसें पढ़ने वाला, हदीसें सुनाने वाला बन जाता। लेकिन सबसे पहला मदरसा तो माँ की गोद होती है, यही माँ अपने बच्चे को चाहे तो चोर बना दे, अगर चाहे तो अपने बच्चे को आलिम दीन बना दे, आर्य कुरान बना दे, नमाज पढ़ने वाला बना दे, बुजुर्गों से अदब करने वाला बना दे, छोटों पर शफ़क़त करने वाला बना दे, यही माँ। इस माँ का दखल है हर चीज में, यही माँ चाहे तो अपने बेटे को अच्छा बना ले, चाहे अपने बेटे को बुरा बना दे, यही माँ बनाती है सब कुछ। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ, अकीका हुआ है इस घर में, सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत से पहले अपने बेटों को नेक बनाओ, नेक बनाओ, कुरान उनके हाथ में,
सीने से लगा करके पढ़ने भेजो। ये कुरान कोई ऐसी वैसी किताब का नाम नहीं है। दुनिया भी डिग्री पढ़ने वाला चाहे एमए में हो, बीए में हो, या उससे आगे चल करके इंजीनियर पढ़ रहा हो, कोई डिग्री कर रहा हो, अगर इसका इंतकाल हो जाए डिग्री खत्म बाकी रहेगी, डिग्री खत्म मार्कशीटों से कोई काम चलेगा इसके नहीं। लेकिन वहरे कुरान क्या शान है, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, क्या शान है कुरान की। आपने अपने बच्चे को जिसका अकीदा हुआ है अल्लाह करे के सिल्मे दीने मोहम्मदी से मालामाल फरमा दे, इसे कुरान पढ़ने वाला बना दे, इसे नमाजें पढ़ने वाला बना दे, इसे बुजुर्गों का अदब एहतराम करने वाला बना दे, इसे उलामा की मजलिस में बैठने वाला बना दे, इसे उलामा से मोहब्बत करने वाला बना दे, इस घर वालों को सबको उलामा से मोहब्बत करने वाला बना दे। हम तो दुआ करते हैं प्यारे मुसलमानों क्या शान है इस कुरान की। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं दुनियावी डिग्रियां खत्म हो जाती हैं मरने के बाद में, लेकिन आपका यही बच्चा कल हिफ्ज पे बैठ जाए, नाज़रे कुरान पढ़ ले, हिफ्ज पे बैठ जाए, और एक पारा भी हुआ है उसका उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह करे कि सबके हाफिज कुरान बने। अगर कोई हादसे का शिकार हो गया, इंतकाल हो गया उसका, क्या शान है इस कुरान पढ़ने वाले बच्चे की, क्या शान है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जो बच्चा कुरान का हिफ्ज करने के लिए बैठ गया था अपने उस्ताद के पास में कुरान पढ़ रहा था, यही बच्चा सुभान अल्लाह क्या शान है इस बच्चे की, जब इसमें इसको कब्र में हम दफना देते हैं, कब्र इसकी सही सलामत कर देते हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरे फरिश्तों ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि दुनिया में रह करके ये मेरी कुरान से मोहब्बत करने वाला था, मेरी किताब को पढ़ने वाला था, कुरान को सीने से लगाने वाला था। इसकी ख्वाहिश ये थी, इसके माँ बाप की ख्वाहिश ये थी कि ये हाफिज कुरान बन जाए, लेकिन ये मेरे पास आ गया है, अपनी कब्र में आ गया है। मेरे फरिश्तों मैं हुक्म देता हूँ कि जो डिग्री ये दुनिया में हासिल करने के लिए बैठा था, मेरे फरिश्तों तो दुनिया में तो ये डिग्री उसे ना मिल सकी, लेकिन मेरे फरिश्तों कब्र में ही से हाफिज कुरान बना दिया, वाह वाह बहुत खूब, कब्र में ही से हाफिज कुरान बना दिया जाए, ये शान है कुरान की। बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। हम ये नहीं कहते कि दुनिया भी तालीम मत दो, दुनिया भी तालीम से पहले असल जो तालीम है हजरत दीनी तालीम है, इसको दो, तभी तो फरमाबरदार बनेंगे बच्चे, तभी तो बनेंगे। अरे लंदन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला अपने बाप की नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता, पढ़ा सकता मैं इसके पीछे कोई पढ़ सकता है। हमने लाखों करोड़ों रुपया मकान गिरवी रख करके अपने बच्चे को लंदन में पढ़ा तो लिया, लेकिन नशा के वक्त में वही रेटना वही थुपना जिसे हम कहते थे मदरसे में बगैर मुंह धुले भेज दिया करते थे, यही बच्चा जब नशा के वक्त में अपने दादा के सरहाने खड़े होकर के सूरह यासीन की तिलावत करता होगा, सुभान अल्लाह, उसके दादा को कितना अच्छा लगेगा, उसके बाप को कितना अच्छा लगेगा। मैं ये आपको देखा हाल तो मैं बता रहा हूँ, हमारे मदरसे में पढ़ने वाला हमारे गाँव का एक बच्चा, उसके दादा की तबीयत कम से कम दो महीने से नजा की चल रही है, बड़े हालात खराब है, कई कई दिन तक फाते से रह गए, कोई दिन कोई चीज न निकले जा रही है न खाए जा रही है, लेकिन हमारे मदरसे से एक दिन गायब हुआ, हमने गौर नहीं दिया, दूसरे दिन रुका, हमने फोन लगा करके उसके अब्बा से पूछ लिया, अरे भाई बात क्या है, हिज में एक सबक छूट जाए तो कई दिन तक असर पड़ जाता है, तुम्हारा बच्चा ना तो छुट्टी लेके गया है और ना आज तक दो दिन हो गए, अभी मदरसे का रुख किया है, इसकी वजह क्या है। इतना प्यारा जवाब दिया था, वाहरे कुरान क्या शान है तेरी, वाहरे कुरान क्या अजमत है कुरान की, हम कुर्बान है कुरान की अजमतों पर, कितना प्यारा जवाब दिया था। हमारे गांव के उस भाई ने मौलाना साहब क्या करूं क्या करूं, उसके दादा मेरे अब्बा कई दिन से फाके से हैं, नजा का वक्त चल रहा है, उठा जाता है ना बैठा जाता है, अरे वो तो अपने पोते को अपने करीब से हटाना ही नहीं चाहते, वो ये कहते हैं हल्का हल्का कभी बोलने भी लगते हैं, तो कहते क्या है, अपनी जबान से कह रहा था ये कह रहा था, मेरे पोते जब तक तू मेरे पास में कुरान पढ़ता रहता है मेरे दिल को सुकून मिलता रहता है, जब तक तू मुझे कुरान पढ़ करके सुनाता रहता है मेरे दिल को तसल्ली होती रहती है, जैसे ही तू मेरे पास से हटता है मेरी दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती है, इससे पता
चला ये कुरान दुनिया में भी हमारे काम आने वाला है, ये कुरान नशा के वक्त में भी हमारे काम आने वाला है, यही कुरान कब्र में हम पहुंचेंगे तो कब्र में भी हमारे काम आने वाला है। जी जी बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, सिखाओ कुरान पढ़ना बच्चों को। तकरीर हमारे हजरत अल्लामा मुकर्रर खुसूसी बैठे हुए, तकरीर इनकी सुनना, आपको जाना मत, मत जाएंगे कहां से घर वाले, भैया पकड़ लेंगे हम तो तुम्हें। सही बात है, कुर्सी भी तुम्हारी है, ये कुर्सी अगर किसी और की किराए पे होती हमें डर लगता, पता नहीं किराए वाले ना ले जाए छीन के। जी जी हां, कुर्सी भी तुम्हारी है, ये मुकर्रर भी तुम्हारे हैं, स्टेज भी तुम्हारी है, सब ये है। डर तो हमें तब लगता इस कुर्सी पे बैठे हुए तकरीर कर रहे थे, अभी और भी बाकी हैं, तो आकर के वो जो इसकी किराए पे कुर्सी है वो चक्कर में रहता कब हटे और मैं अपनी कुर्सी लेके जाऊं, ये भी नहीं है। आप मजमा पूरे का पूरा चलेगा तकरीर सुनते सुनते, वो मौलाना रहेगा, एक आदमी रह गया, ये आंखें बंद करके तकरीर चल रही है, हाँ ये नहीं चाह रहे हम, आंखें बंद करके तकरीर चल रही, जब आंख खुली ना काफी देर के बाद में एक ही आदमी आ गया, है बड़ी तारीफ करी मौलाना भाई, माशाल्लाह बड़ा खुश नसीब है तू, सब चले गए तू अब तक मेरी तकरीर सुनने आए, तो क्या कहा था उसने, अरे मौलाना साहब तकरीर की बात कर रहे हो तुम, जिस कुर्सी पर बैठ के तकरीर कर रहे हो ना ये कुर्सी मेरी है, मैं चक्कर में हूँ कब हटो इसे लेके जाऊँ। हाँ डरना मत भाई कारी साहब, कुर्सी किसी और की नहीं है, इनकी है, ये आपको सुनाना है, बस हम पैगाम देना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ा लो, अकीका करो, सुन्नत है, बड़े फायदे हैं अकीके के, बड़े फायदे हैं, मेरे नबी ने खुद अपने हसन और हुसैन का अकीका किया है, अकीका करो, खुराफात में ना पैसा उठा करके बच्चों को अकीका कर लो, सुन्नत भी अदा है और जो रिश्तेदार है उनका भी भला है, वो भी खा करके चले जाएंगे, अकीका भी हो जाएगा। हमने तो मौलाना ये देखा है शादियों में पूरे पूरे जानवर काट लें, अगर यही शादियों में जानवर काटने वाले ना अब उसी वक्त में अकीके की नियत कर लेना, तो अकीका भी हो रहा है और गांव वालों का खाना भी हो रहा है, है नहीं? ना मसला पूछे किसी मौलाना से ना इमाम साहब से, बस अपनी तबकदन में, अपनी तबकदन में कि बस मेरे गांव का प्रधान मुझसे राजी हो जावे, ठेकेदार राजी हो जावे, वो फलाना नेता राजी हो जावे। अरे एक मरतबा मौलाना से मशवरा तो ले लेते जाके, जानवर काट रहे हो सोने पर सुहागा है, एक तीर दो निशाने है, अरे तो जानवर काट रहे हो तुम्हारे अगर लड़कियां हैं, लड़कियों की नियत अकीके की कर लो, अकीका भी हो जाएगा और गांव वाले खाना भी खा जाएंगे, और जिस खाने को तुमने पकाया है अल्लाह उसमें भी अपना बरकत भी नाज़िल फरमा दे। जी जी बहुत बहुत बेशक, बस कुरान की बात चल रही है, क्या शान है कुरान की, सुभान अल्लाह क्या शान है कुरान की, बता दूं लास्ट में ये बात मैं आपको, अरे दुनियावी किताबों को पढ़ते बहुत हो आप, बहुत पढ़ते हो, शान है कुरान की, अमर उजाला रटते रहो याद नहीं होगा तुम्हारे, कितने बड़े बड़े अमर उजाला पढ़ने वाले, दैनिक जागरण पढ़ने वाले, एक सफा भी नहीं सुना सकते बगैर देखे, वाहे कुरान तेरी अजमतों पे कुर्बान, हम कुर्बान है कुर्बान कुरान की अजमत पर, क्या शान है कुरान की, एक चैप्टर अमर उजाला का हम बगैर देखे नहीं सुना सकते, लेकिन साल का बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, मुसल्ले पे नफिलों में खड़ा करके कुरान सुन लो, पूरा कुरान पाक नबी पाक का चाहने वाला, नबी पाक की उम्मत का ये छोटा सा बच्चा नफिल में पूरा कुरान पाक आपको सुना देगा, आप अमर उजाला नहीं सुना सकते, लेकिन उम्मते मोहम्मदिया का बच्चा कुरान पाक के 300 पारे आपको नफिल में मुसल्ले पर खड़ा होकर के सुना देगा, ये शान है कुरान, ये शान है कुरान की, कुरान की बरकत भी बता दूं 2 मिनट के अंदर, क्या बरकत है कुरान की, बच्चों को कुरान सिखाओ, दीनी तालीम सिखाओ, ये शान है कुरान की। नबी ये पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, आजकल बड़े हालात खराब चल रहे हैं, जी जी, अगर कोई मालदार हो भी गए ना हजरत, मालदार हो गया तो उसे फिक्र हो जाए माल कौन रखागा मेरा, माल कौन रखागा, सोने से मेरा संदूक भरा पड़ा है, पैसों से वाला भरा पड़ा है, खोपड़ी तो कभी भरी नहीं आज तक किसी के पैसों से भरी है, अगर एक कमरा पैसों से भर जाए 2-2 हजार के, तो आदमी ये सोचेगा यार दूसरा वाला और भर जाए मेरा, दूसरा वाला और भर जाए, कभी हवस की खोपड़ी भरी नहीं है किसी की, भरी आज तक नहीं भरी है, एक मरतबा प्रधान बन जाए सोचेगा यार एक मरतबा और बन जाए, चाहे वो कसमें खाता हो पहले यार एक दफा बना तो बाद में जहाँ बनाइयो मत बनाइयो, दूसरी मरतबा में चाहे 2 वोट रह जाए लेकिन मानेगा नहीं किसी, मानता मानेगा, अरे उसे खून लग गया भैया एक मरतबा मानने आओ, मानने आओ नहीं मानेगा, ये खोपड़ी ना भरी है ना भर सकती है, ये पहले से चला रहा है ना, भरी पहले भरी है किसी की, ना आज भर रही है, बताने का मकसद
की रखवाने के लिए कोई निगरा खड़ा करते दरवाजे पर, कोई कुत्ता पाल ले, और हम समझते हैं कि कुत्ता रखवाली कर रहा है, कुत्ता रखवाली कर रहा है, निगरा निगरानी कर रहा है। क्या दावे के साथ कह सकते हैं आप कुत्ता हमारे माल की हिफाजत कर लेगा? क्या दावा कर सकते हैं आप निगरा हमारे माल को लुटने से बचा लेगा? है कोई दावा आपका? ऐसे ऐसा नशा चल रहा है, हल्का सा अगर लगा देना, हल्का सा कोई लागे पड़ाओगा दरवाजे पे ऐसे ही। जी जी, पड़ा है निगरा उधर पड़ा है, माल का सफाया चल रहा है और वो खर्राटे की नींद ले रहा है, मार रहा खर्राटे मार रहा है, ऐसी नींद में पड़ा है, पता नहीं पूरा सफाया हो गया। लेकिन हम नबी की बारगाह में पूछना चाहते हैं, अरीजा पेश करना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की अता से हमें माल भी मिल गया है, अल्लाह की अता से हमारे पास में जानवर भी है, अल्लाह की अता से हमारे पास में माल भी है, सीमो जर भी है, दुनिया की बेशुमार नेमतें हैं, लेकिन ए बारे इला प्यारे नबी की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं अल्लाह के बंदे, या रसूल अल्लाह हमारे पास में न माल की कमी है, न जायदाद की कमी है, न सोने की कमी है, न मसीमो जर की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन ए प्यारे हबीब हम आपकी बारगाह में ये अरीजा पेश करते हैं कि हमें कुत्ते की निगरानी पर भरोसा नहीं है, हमें निगरा की निगरानी के पर जरूर भरोसा नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह हम ऐसा निगरा चाहते हैं, ऐसा माल को रखाने वाला चाहते हैं, हमें बिल्कुल पक्का यकीन हो जाए इससे हमारा माल सेव है, इसके जरिए से हमारा माल महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, मेरे प्यारे नबी ने दुनिया के किसी इंसान का नाम नहीं बताया, मेरे प्यारे नबी ने दुनिया के किसी चौकीदार का नाम नहीं बताया, मेरे प्यारे नबी ने किसी कुत्ते का नाम नहीं लिया, बल्कि प्यारे प्यारे कुरान क्या शान है तेरी, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे अगर तू वाकई भरोसे वाला निगरा चाहता है, अपने माल को बचाना चाहता है, अपने जानवरों की हिफाजत चाहता है, अपने सोने चांदी को लुटने से बचाना चाहता है, तो ऐ अल्लाह के बंदे तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजे पर कुत्ता रखने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजे पर निगरा रखने की जरूरत नहीं है। प्यारे मुसलमानों, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया था अल्लाह के बंदे नमाज फजर पढ़ना शुरू कर दे, नमाज जोहर पढ़ना शुरू कर दे, नमाज असर पढ़ना शुरू कर दे, नमाज मगरिब पढ़ना शुरू कर दे, नमाज इशा पढ़ने के बाद में अपने घर को चला, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी खुराफात में बैठने की जरूरत नहीं है, अपने घर को नमाज इशा पढ़ के आ जा, और अपने मकान में आने के बाद पुराने पाक का एक पारा नहीं, पुराने पाक के दो पारे नहीं, पुराने पाक के तीन पारे नहीं, पुराने पाक के पांच दस पारे नहीं, वारे प्यारे नबी कैसा पैगाम दिया है, वारे कुरान तेरी अजमत हुए हम कुर्बान, प्यारे नबी ने कैसी शान बताई है कुरान की, मेरे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के बंदे अगर तुझे अपने माल की हिफाजत चाहिए, अपने जानवरों की हिफाजत चाहिए, अपने सीमो सर की हिफाजत चाहिए, तो नबी ने इरशाद फरमाया नमाज ईशा पढ़ने के बाद में आयतुल कुर्सी तीन मरतबा पढ़ ले। जी बेशक बेशक, तीन मरतबा नबी ने नहीं फरमाया, 30 मरतबा नहीं, 3000 मरतबा नहीं, 30000 मरतबा नहीं, सुभान अल्लाह, उम्मते मुहम्मदिया के अंदर कितना पासो लिहाज रखा गया है। अल्लाहु अकबर, पर मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह के बंदे तो 3 मरतबा आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ले। आप कहेंगे हमसे तो बगैर देखे पढ़ना नहीं आती, नबी ने ये नहीं फरमाया बगैर देखे पढ़ ले, बल्कि मुतलकन फरमाया आयतुल कुर्सी को पढ़ ले 3 मरतबा, अगर देख कर पढ़ोगे तो देखने का और सवाब मिल जाएगा, देख के पढ़ लो 3 मरतबा, अपने ऊपर दम कर लो, अपने दरवाजे पर दम कर दो, सुभान अल्लाह, मेरे प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं आयतुल कुर्सी पुकार पुकार करके कहती है, ए मेरी तिलावत करने वाले, तिलावत करना तेरा काम था, तेरे माल की हिफाजत करना मेरा काम है, आयतुल कुर्सी कहती है पुकार पुकार के, मेरी तिलावत करने वाले, तिलावत करना तेरा काम था, तेरे जानवरों की हिफाजत करना मेरा काम है। नबी फरमाते हैं आयतुल कुर्सी पुकार पुकार करके कहती है, मेरी तिलावत करने वाले, तिलावत करना तेरा काम था, तेरी और तेरे घर की हिफाजत करना मेरा काम है।
सुभान अल्लाह एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहते हैं नामा आमाल में दर्ज करा रहे 90 नेकियां। हजरत का बयान अब सुनना है, बातें तो बहुत आते रहेंगे ज़हन में भाई, हमें ख्याल रखना इन उलमा का है, मुकर्रर खुसूसी का ख्याल रखना है भाई, जैसा भी टूटा फूटा हमसे सुनाना था हमने सुना दिया, लेकिन रब की बारगाह हम जाते जाते ये दुआ करना चाहते हैं कि मौला हमने जो कुछ भी बोला है बोलने में अगर किसी तरह की गलती कोताही हो गई हो अपने प्यारे हबीब के सदक़े में माफ फरमाए और हम सभी को हक बोलने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को इल्मे दीन मुहम्मदी से मालामाल करो और खुद भी सुधरो, अपने घर वालों को सुधारो, ये इस जमाने का सबसे बड़ा जिहाद है। वमा अलैना इल्लल बलाग।